फुलवारी शरीफ से पीएफआई के टेरर कनेक्शन मामले में आज एनआईए ने न सिर्फ फुलवारी शरीफ में बल्कि बिहार के अलग अलग 6 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की है और इस दौरान उन अभियुक्तों के घर पर छापेमारी की गई है जो पटना के फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज मामले में आरोपी हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ये अतहर का मकान है जहां पे छापेमारी हुई थी। सुबह 6:30 बजे एनआईए की 3 टीम पर फुलवारी शरीफ पहुंची थी और यहां अतहर के अलावा जो सब इंस्पेक्टर जलालुद्दीन हैं उनके घर पे छापेमारी हुई है। और यहां पे आपको बता दें कि अतहर परवेज वही शख्स है जिसके यहां सबसे पहले छापेमारी हुई थी, जो यहाँ बाकायदा यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चलाता था जलालुद्दीन के मकान में। और अतहर के घर से काफ़ी सारे दस्तावेज़ों की बरामदगी हुई थी जिनमें पीएफआई के वो गोपनीय दस्तावेज भी थे जिनमें 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना थी। और इस पूरे डॉक्यूमेंट्स की बरामदगी अतहर के इसी घर से हुई थी और उसके बाद पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। फिलहाल अतहर जेल पे है, रिमांड पर भी उससे पूछताछ की जा चुकी है। और इस बीच पूरे मामले की जाँच एनआईए को दी गई है तो एनआईए आज फिर यहाँ पहुँची थी, यहाँ घर को खंगाला गया है और तमाम जो उनसे जुड़े हुए चीज़ों हैं वहाँ पर छापेमारी की गई है। इसके अलावा बिहार के दरभंगा, मोतिहारी, अररिया और पूर्णिया में भी छापेमारी चल रही है जहां पे अलग अलग जो इस मामले में आरोपी हैं उनके घरों पे छापेमारी की जा रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।